नमस्कार कहते हैं जो सोचते हैं दुनिया से अलग जिनके अलग होते हैं काम उन्हीं को मिलती है कामयाबी उन्हीं के किस्से होते हैं आम वी वेलकम यू टू द स्पेशल सीरीज इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट जी बिजनेस और स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप की इस खास पेशकश में हम आपकी मुलाकात ऐसे आम से खास बने ऑन्टरप्रनियर से करवाएंगे जिन्होंने जुनून और जज्बे की बदौलत कुछ नया और अलग करके दिखाया है हमें आज के सेशन में एक ऐसे उद्यमी ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के अपने पैशन की एक एक ईंट जोड़कर नया बिजनेस मॉडल स्थापित किया लेट्स वेलकम श्रीनिवास चौधरी को फाउंडर एंड डायरेक्टर एलिगेटर ऑटोमेशन आपका शुक्रिया थैंक यू थी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश पवार फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप एस यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन अराइज डॉक्टर पवार थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर पवार इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर हमें लाजा पिक्चर दिखाएंगे और नए अफसरों को टैप करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस कैसी स्ट्रैटेजीज बनाएं इस पर जोर देंगे तो आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं श्रीनिवास साहब पहले हम आपसे बातचीत शुरू करना चाहेंगे आप एक एंड ऑफ लाइन ऑटोमेशन पैकेजिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है बड़ी इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट जो आपका पैशन रहा उसी को आपने ऑन्टरप्रेनरशिप की तरफ बढ़ाया और आगे बढ़े कुछ सफ़र के बारे में हमें बता सकें सो so, ये जो सफ़र है हमारा कॉलेज डेज में शुरू हुआ था जी जब मैंने और कृणाल ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का पार्ट, पार्टिसिपेट किया था हमने बेसिकली वो कंपटीशन में हमें एक रोबोट डिज़ाइन करना था जो पानी में भी चल सके और ज़मीन पे भी चल सके एंड वो रोबोट को हमने बनाया फिर वो रोबोट को हमने डिस्प्ले किया और उसको हमने नाम रखा एलिगेटर तो वहीं से कंपनी तो का नाम से, वहीं से कंपनी <laughs> का नाम आया एंड एलिगेटर नाम से हमने तीन आई आई टीज़ दो एन रोबोकॉन में हम लोग राना सब रहे हमने फोर्टी थ्री रोबोटिक्स में जीते तो हम लोग काफ़ी काम किया करते थे रोबोटिक्स में वो टाइम पे एंड काफ़ी पैशनेटली किया करते थे तो जब 2008 में हमने हमारा बिजनेस शुरू किया तो हमने एलीगेटर ऑटोमेशन उसको रजिस्टर किया एंड देन वी स्टार्टेड आ जर्नी तो जर्नी में ऑफकोर्स शुरू में थोड़ी दिक्कतें थी पहले दो ढाई तीन साल डिफ़िकल्ट थे रिसोर्सेस नहीं थे हम दो लोगों ने एक छोटे से रेजिडेंशियल ऑफिस से काम शुरू किया सारा बिजनेस का सारे प्रोसेस हम खुद ही करते थे जैसे डिजाइनिंग हो गया प्रोडक्शन हो गया असेंबली टेस्टिंग क्लाइंट एंड पे जाके मशीन लगाना देखते जो जनरली स्मॉल बिजनेस होते हैं दे एर मल्टीपल हैट्स, या, या, वो सभी कुछ खुद ही मैनेज करते हैं वैसे ही आपकी भी शुरुआत, वैसे, वैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही शुरुआत हुई थी ये जो 14 15 इयर्स का जो पूरा सफर रहा है इसमें किस तरह की लर्निंग्स रही हैं क्या कुछ सीखा आपने क्योंकि आपसे बाकी ऑनटरप्रोस क्या पिक कर सकते हैं राइट सो हमने वैसे तो बहुत चीजें स्लो एंड स्टडीली सीखा है बट मैं कुछ अगर पॉइंटर्स को टच बेस करूँ तो पहला तो इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ हमने ये सीखा कि बिज़नेस में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड uh, आपको आपका ग्रोथ फ्यूल करना है तो बिजनेस में प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो हमने हर पड़ाव पे uh, uh, ये हमेशा इंश्योर किया है कि हम नए प्रोसेस बिल्ड करते रहे सो दैट द कंपनी कैन ग्रो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है कि कस्टमर पे फोकस जैसे हमारा बिज़नेस लाइन में वी हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर सो सर्विस सेंट्रिसिटी जो है हमारा एक कोर इम्पॉर्टेंट लर्निंग रहा है एंड वी हैव बीन वर्किंग इन दैट स्टाइल हमारे कस्टमर्स को टिल द टाइम ही वॉन्ट्स टू यूज़ द मशीन हम लोग उसको सर्विस देते हैं तीसरा हमारा क्वालिटी सेंट्रिसिटी पे हमेशा फोकस रहता है भले ही प्रोजेक्ट को पंद्रह दिन डिले करना पड़े कस्टमर को शुरुआत में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो बट हम पंद्रह साल पच्चीस साल के लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पे हमेशा काम करते हैं एंड क्वालिटी को हमेशा फर्स्ट रखते हैं जी चौथा हम लोग कंसिस्टेंट ग्रोथ पे फोकस करते हैं जैसे ट्वेंटी माइल मार्च का एक कॉन्सेप्ट है तो आप अपने ग्रोथ का एम्बिशन भी रखो प्लस आप अपने सेल्फ कंट्रोल पे भी काम करो अच्छे वक्त में एक लिमिटेड ग्रोथ किया जाए एंड बुरे वक्त में भी वो ग्रोथ के लिए आप हमेशा लगे रहो सो तो वो वो फिलॉसफी पे हम लोग काम करते हैं ये कुछ हमारे की और इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स रहे हैं बहुत खूब इसके कई और पहलुओं को हम आपसे आगे चलते हुए टच करेंगे डॉक्टर पवार आपके पास आना चाहेंगे ये yes. जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टोरीज़ और कैसे इनका सफ़र रहा है और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हम लार्जर कम्युनिटी के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं आप हमें स्पेसिफिकली बता सकें जैसे हम देख रहे हैं ये ऑन्टरप्रीनरशिप की तरफ आए इनका जो पैशन था उसी को उन्होंने कारोबार में तब्दील कर दिया तो अगर पैशन होगा तो फिर वो हर मोमेंट हर लम्हे को इनफैक्ट अच्छे से मैनेज कर सकता है हैंडल कर सकता है और ग्रो कर सकता है करेक्ट आपका क्या मानना है uh, अगर आप दोनों भी केसेस को देखें एक कंज्यूमर को कैटर कर रही हैं और एक जो बिज़नेस है वो उसकी वैल्यू चेन को केटर कर रही हैं तो अगर आप दोनों भी केसेस को देखें तो एक ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मैन पावर कंपनियाँ चाहती हैं कॉस्ट कवर करना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना या कंज्यूमर को अपनी सेवा और सस्ते दामों में देना

सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डेफिनेटली वांट टू शेयर विद ऑल द द्रप्रिनर्स कि uh, बदलाव आप में ज़रूरी है आपका विजन हो आप में वो एजिलिटी हो तो ही आपकी संस्था में आपकी टीम्स में वो एजिलिटी आएगी सो so, इन दोनों बिज़नेसेस में हम देखते हैं कि वो एजिलिटी uh, है तभी जाके इस मुकाम पर शायद पहुँचे यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है उस बदलते दौर के साथ आप भी बदलें करेक्ट इंट्रोस्पेक्ट करें खुद को देखें अपनी समीक्षा करें और फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने लें नई स्ट्राटेजीज नई टूल्स नई टेक्निक्स नई टीम्स नए कोलैबोरेशंस, नए पार्टनरशिप्स नई दिशाएं नई टेरिटरीज ये जब तक नया नया नहीं करते रहे और सटीक दिशा में करते रहें आप अपग्रेडेशन पर काम कर रहे हैं या अप स्किलिंग की बात करें इनफैक्ट्री स्किलिंग की बात करें क्योंकि कई तो ऐसे हुनर हैं जो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में डिपेंडेंट हो गए नई तरह के स्किल्स चाहिए करेक्ट सो देखिए इम्प्रूवमेंट जो शब्द है मतलब इम्प्रूवमेंट uh, को uh, हमारे बिजनेस में एलिगेटर के अंदर हमारा एक इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू है इनोवेशन इनोवेशन को हम डिफाइन करते हैं आइडियाज गिविंग पॉजिटिव चेंज तो तो जनरली इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे आप इम्प्रूव कर सको आप एवरी वीक बेसिस पे आप इम्प्रूव कर सको हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में ठीक है एंड uh, आपके स्ट्रैटी सही हो तो ऑफकोर्स uh, uh, आपको ट्रेनिंग पे फोकस देने हैं एंड आपको टेक्नोलॉजिकल कंपनी हम लोग है जी, तो टेक्नोलॉजिकल कंपनी में हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप टेक्नोलॉजी uh, के एक स्टेप अहेड रहो यू नो द टेक्नोलॉजी वॉट इज गोइंग इन द मार्केट एंड यू फोकस इन द राइट डायरेक्शन तो uh, ये सब सारी चीज़ें हैं बट एट द सेम टाइम जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियरिंग कंपनी है तो आई थिंक वी नीड ऑल्सो नीड लॉट ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ सो हमारे 300 लोगों के स्ट्रेंथ में 150 फिफ्टी और इंजीनियर्स ही है तो इंजीनियर्स के साथ काम करना यंग लोगों के साथ काम करना ऑटोमेटिकली वो यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन इम्प्रूवमेंट में अगर ढाल दिया जाए तो ऑफकोर्स आपका इनफैक्ट तो तो सेंटर भी जो पुणे है yes. वो वैसे ही इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है इनफैक्ट लीडर्स हैं इनफैक्ट उसमें काफ़ी आगे आ, काम हो रहा है करेक्ट करेक्ट सो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल ये स्पेस में काफी है, fact, है. एक हब है वन ऑफ इंडिया हब एंड ऑफ कोर्स काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प आपको हो जाता है पुणे में काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं सो ऑफ कोर्स आपको टैलेंट पूल भी मिल जाता है जी एंड एमएसएमईज uh, में ऑफ कोर्स आई का क्रीम शायद नहीं मिल पाता है एमएसएमईज को बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स आपको अपने रिसोर्सेस uh, को इम्प्रूव करना उनको ट्रेनिंग देना ये सारी चीज़ें करके यू फ्यूल योर ग्रोथ ओके जैसे हम बात कर रहे हैं ये जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का इनफैक्ट स्टार्ट डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन्स वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह ये कई पहलू हैं बिजनेस में जब आप आगे बढ़ते हैं इसको आप किस तरह से समझाते हैं uh, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ, मैं इन दोनों बिजनेसिस हाँ, जब अब सुन रहा था हाँ, तो एक पैटर्न समझ में आया कि दोनों में भी दोनों बिजनेसिस में भी लर्नेबिलिटी को फोकस किया गया है बिल्कुल ओके एंड आई थिंक लर्नेबिलिटी को जब फोकस करता है कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यवसायिक तो अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाती है जैसे uh, श्रीनिवास जी ने बताया कि कि हमने इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कंपनी है और हम इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं सो वो इंटरनल काम कर रहे हैं राधर देन लुकिंग एट मार्केट सो अडोप्शन आसान हो रहा है इनके और कुछ पहलू को टच करें एक आप और भी बता सकें मैसेज जहां तक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात है hmm. इंडस्ट्री 4.0 जो बहुत कुछ बहुत ही तेजी से बदल रही है करेक्ट उसमें किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड पर और आप उस फ्रंट पर क्या शेयर करना चाहेंगे सो ग्रो भी करना है और सर्वाइव भी करना है। जैसे जैसे कंज्यूमर अवेयर हो तो रहा है ना इंडस्ट्री फोर और ज्यादा तगड़ा होगा सारा सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है क्लाउड पे जा रहा है ऑटोमेशन हो रहा है hmm. uh, अगर इंडस्ट्रीज फोकस करना शुरू करती हैं फोर पे, hmm. तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और सर्विस पे बहुत ही बेहतर इफेक्ट विच इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा सो so, अगर इंडस्ट्री फोर पॉइंट हो जैसे uh, क्लाउड हो एम एल हो ए आई हो या ऑटोमेशन या हो अगर इन चीज़ों पर फोकस कर रही है एस एम एस एम ई अच्छा अच्छी चीज़ क्या है ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है बस हुँ. हम इसके बारे में जानते नहीं हैं बिल्कुल so, सो जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते वो हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है यू नो यू नो टू अडॉप्ट इट सो फंडामेंटली अगर उसके लिए बारे में थोड़ा जान ले अवेयरनेस कर ले तो ये बड़ी ही आसान तरीके से सस्ते तरीके से आप ये सारी सिस्टम आपकी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स में लगा सकते हैं बट इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है तीन चीज़ों पर अवेलेबिलिटी सर्विस और कॉस्टिंग श्रीमत साहब ये भी बता सकें आपका हम देख रहे थे आप अलग अलग कई क्षेत्रों को आप कीटर करते हैं करेक्ट ये कैसे मैनेज करते हैं हम लोग मल्टी इंडस्ट्रीज़ को कीटर करते हैं फूड से लेके पेट्रोकेमिकल फार्मा ऑटोमोबाइल सीमेंट ई कॉमर्स हर इंडस्ट्री का अपना अपना रिक्वायरमेंट अपना अपना स्पेसिफिकेशन अपना अपना पेन पॉइंट होता है तो हम हम लोग का जो इंजीनियरिंग केपेबिलिटीज़ है सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ एवरी थिंग क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हार्ट पे है वी नो वी आर इंक्लाइन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी तो हर कस्टमर का पेन पॉइंट को लेके हम लोग उसको इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको ढाल करके जी कस्टमर्स को सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं कस्टमर hmm. so, उसमें एटी एटी फाइव परसेंट स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है एंड हर कस्टमर और हर इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग फिफ्टीन टवेंटी परसेंट टेलरिंग बोलते हैं टेलरिंग करके सोल्यूशन ऑफर करते हैं ओके okay. श्रीनिवास साहब से एक दो पहलू और समझ लेते हैं हमने ये देखा कि आपके साथ कई बड़े कॉर्पोरेट्स एसोसिएटेड हैं हाउ डिड यू रीच आउट टू देम पहला तो जो जो हमारा पहला बड़ा ऑर्डर हमने क्रैक किया था 2010 की बात है आदित्य बिरला ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े थे ऑफकोर्स उनका प्रॉब्लम और जो एप्लीकेशन उनका जो मशीन का रिक्वायरमेंट था वो यूनिक था इंडस्ट्री में कोई नहीं बना रहा था इनफैक्ट इंटरनेशनली in भी काफ़ी कंपनीज उनको रिग्रेट कर रही थी तो ऐसा एक चैलेंजिंग अपर्चुनिटी को चैलेंजिंग uh, काम को हमने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया उसको एंड कोर्स डिफिकल्ट था कस्टमर को कन्विंस करना छः महीने के मल्टीपल मीटिंग्स के बाद समहााओ वी कन्विस्ड एंड वी वर एबल टू बैक दैट प्रोजेक्ट एंड कोर्स उसमें फाइव परसेंट एडवांस के साथ हमने वो प्रोजेक्ट लिया बट एट द सेम टाइम काफ़ी मेहनत करके उसको एग्जीक्यूट किया एंड वो जब सक्सेसफुल हुआ एंड देन थिंग नेक्स्ट लेवल पहलू और ये कई बार एम एस एम ईस कहते हैं ये टाइमली पेमेंट्स के इशूज़ रहते हैं जनरली uh, हम लोग जो स्पेस में काम करते हैं उसमें कॉर्पोरेट्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं एंड uh, टाइमली पेमेंट्स का जो इशू है ऑफकोर्स डिपेंडिंग अपॉन आप किससे काम कर रहे हो आपके पेमेंट टर्म्स क्या है एम एस एम ईस काफ़ी बार पेमेंट मांगने से भी घबराते हैं क्ट right. तो वो एक पहलू है बेसिकली पेमेंट मांगना भी आना चाहिए तो <laughs> right. mm -hmm. so एक आप और बताइए फिर हम डॉक्टर साहब के पास चलेंगे हम देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट टेन कंट्रीज में प्रेजेंट भी हैं okay. आपकी प्रेजेंस वहाँ पर है तो वहाँ पे क्या लर्निंग्स हैं उसको थोड़ा सा आप कम्युनिटी के साथ शेयर करें देन वील कम यू वी वॉन्ट टू ब्रिंक प्राइड टू आवर नेशन बाय सप्लाइंग वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज टू द ग्लोब तो इसमें मेनली दो पहलू है mm. पहला है uh, भारत देश आवर नेशन एंड दूसरा टेक्नोलॉजी तो जैसे हमने जो भी ग्रोथ हमने किया है दैट इज़ बाय रिप्लेसिंग यूरोपियन टेक्नोलॉजीज इन इंडिया सो यूरोप से भारत देश जो टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करता था उसे हमने इंडिया में डेवलप किया hmm. uh, और इंडियन कस्टमर्स को दिया ओवर द फर्स्ट एट ईयर्स ऑफ आर बिजनेस एंड लास्ट चार साल में हमने आई थिंक मोर देन टेन कंट्रीज में वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो तो इसमें इंडियन नेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का मिश्रण है ये एब्सोलूटली एंड कमिंग बैक टू योर सवाल पहला इंपॉर्टेंट लर्निंग में मैसेज जो दूंगा हमने जो सीखा है पहला है माइंड ठीक है uh, मतलब आपका माइंड हो दस कंट्रीज में जाने का उसको एक्सपैंड करके पैंतीस कंट्रीज में ले जाने का तो पहला तो माइंडसेट होना चाहिए दूसरा है आप ऑफ कोर्स आपका होमवर्क और रिसर्च ठीक है आप कोई भी कंट्री में जाते हो हर कंट्री के डिमांड्स अलग रहते हैं हर कंट्री का कल्चर अलग रहता है <laughs> तो रिसर्च में आपको पहले इन्वेस्ट करना है टाइम एनर्जी एफर्ट और मनी सो रिसर्च से काफ़ी इनपुट्स मिलते हैं एंड देन यू डिसाइड कि मुझे ठीक है 25 कंट्रीज़ का रिसर्च किया दीज आर द फाइव कंट्रीज़ आई चूज उसमें फिर मैं सही प्रोडक्ट मिक्स भी फिक्स करूँ पाँच कंट्रीज अगर मैंने सेलेक्ट किए तो ये कंट्री में ये प्रोडक्ट बेचूंगा ये कंट्री में ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा जी. तो ये सारी चीज़ें हमने लर्न किया है एंड विच हैज़ हेल्प ओके ग्रेट सर डॉक्टर पवार अब आप आपसे हम चाहेंगे एक फाइनल कॉमेंट दो पहलुओं पर क्या ऐसी लर्निंग्स जो आप शेयर करना चाहेंगे दोनों से और सेकेंडली आप इनको भी एक एडवाइस देना चाहेंगे uh, एक तो हैंडोल्ड कम्युनिटी को कर सकें प्लस ये जो स्टोरीज हमारे सामने हैं इनकी इनको भी बता सकें कैसे हाउ दे शुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल सो कम्युनिटी के लिए जो जो कहूँगा वो मैं हमेशा कहते कहता हूँ यू नो आज आई थिंक मोर देन ट्वेंटी फोर थाउजेंड आंट्रप्रीनर्स बट जितने भी देखेंगे जितने भी बिजनेसिस हैं ना दे फॉल इन टू थ्री बकेट्स थ्री बकेट आर बीन क्लोज करेक्टलीस इज ग्रोइंग फर्स्ट बकेट इज कैश क्रिएशन सो डू यू आपके पास क्या मैकेजम है दूसरा है कैश प्रोसेसिंग अगर कैश प्रोसेस करने की क्षमता और एबिलिटी है क्या एंड लास्ट इज कैश कलेक्शन जो अभी श्रीनिवास जी कह रहे हैं अगर तीन बकेट को सही फॉलो किया गया तो बिजनेस स्केलअप होने से कोई नहीं रोक सकता सो देट इज पॉइंट नंबर वन शुभकामनाएं थैंक यू वेरी मच श्रीनिवादी आपका भी शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू फॉर पार्टिसिपे तो अभी के सेशन में इतना ही इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट के अभी के इस सेशन के लिए हम आपसे ज्यादा चाहेंगे लेकिन मोटिवेटिंग कहानियों से रूबरू होने का सिलसिला जारी रहेगा अगले एडिशन में हमारे बीच होंगी कुछ और प्रेरणादायक कहानियाँ चलते चलते हम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की ये बात आपके सामने रखना चाहेंगे यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर तो हमारी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं अभी के लिए इतना ही नमस्कार गुड नॉर्ट